नमो रहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जेतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्त भावाय भावाय सर्व भावान करच्छदे जीधाया जानि गहे कम कलंक दहे परम प्रणवे होता स्वयं जगत परिणाम इस बात को गंभीरता से विचारना चाहिए। विभाव पर्याय स्वभाव पर्याय पढ़ रहे होंगे। अपने को नहीं जानेंगे और पर की ओर देखेंगे तो मोह नहीं चाहने पर भी होगा। मोह का मतलब है ऐसा लगने लगेगा यही मैं हूँ, जो पर्याय आएगी। जो अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं समझे अंतरंग से, तब तक यहाँ बैठ करके ये ऐसा न लगे कि मैं वक्ता हूँ हो नहीं सकता, असंभव है ये बात। अलग बैठ करके ऐसा नहीं लगे कि हम अलग हैं, ये हो नहीं सकता। शरीर की जो पर्याय हो, कर्म उदय जनित जो पर्याय आए, उनमें एकत्व बुद्धि न चाहने पर भी होती है। जैसे पाप से करते हुए जीव को न चाहे तो भी दुख होता है, वो चाहता नहीं है दुखी होना, लेकिन नहीं चाहे तो भी दुख होता है। कपट सेवन करने वाला भी रोगी होना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे रोग होता है। ऐसे अपने को जब तक यह जीव नहीं जानता, ज्ञान का संकेतन नहीं करता, तब तक न चाहने पर भी मोह होता है। क्या करें, मोह बहुत दुख का कारण है, मोह ही परेशान करता है, अपने मोह से ही दुखी है। लेकिन नहीं चाहने पर भी मोह होगा। मोह की नाश का उपाय करने पर ही मोह नाश होगा। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है। सहज साध्य तो इसलिए कहा कि पुरुषार्थ के नाम पर जीव कर्तृत्व पकड़ता है, इसलिए ऐसे ही अपने विकल्प के अनुसार कार्य हो जाए और कर्ता बुद्धि ना आए ऐसा हो नहीं सकता, अभिमान ना आए ऐसा हो नहीं सकता, जब तक जीव को ये अंतर का भेद ज्ञान नहीं जगे। मंद आए, तीव्र आए, वचनों में आए, भगीतर में आए, लेकिन आए बिना नहीं रहेगा। पर से संबंध जुड़ेगा, पर को अपना मानेगा, पर की ओर देखेगा, तो ये विभाव पर्याय मोह राग द्वेष की होंगी। हम खूब चाहते हैं मोह नहीं, वो खूब चाहते, चाहने से क्या होता है। हमारी खूब भावना रहती है मोह न हो, कसाय न हो, तो उस भावना से पुण्य बनेगा। लेकिन कसाय तो होंगी, मोह तो होगा, पर से संबंध जुड़ेगा
अपने से विमुख होगा अथवा सम्यक ज्ञानी जीव भी अपने से च्युत होगा। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि को विमुख कहते हैं या भ्रष्ट कहते हैं, सम्यक दृष्टि को अपने स्वभाव से च्युत कहते हैं, च्युत होने पर। अगर स्वभाव से च्युत होगा तो फिर राग द्वेष होंगे। सम्यक दर्शन क्या करेगा? सम्यक दर्शन होता है तो वो राग द्वेष को उसे अच्छे नहीं लगते। मिथ्यात्व की भूमिका में अच्छे से लगते हैं, ठीक है, बढ़िया, क्या करना है, भोग सुखकारी लगते हैं, भीतर से लगते हैं ये पर पदार्थ मेरे हैं, ये सुख है, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर अंतर में भेद ज्ञान हुआ तो ये लगता है बात ये मेरी झूठी कल्पना है, यहाँ झूठी मेरी थपना, कार्य तो वास्तव में स्वयं ही हुआ है, इसका कर्तव्य तो मेरे में है नहीं। स्वरूप दृष्टि बिना ये बात समझ में नहीं आए। और एक बात पहले कही होगी कभी, तो देखो भाई, अपने विकल्प के अनुसार कार्य हो तब तो कर्तव्य पुष्ट होता ही है, लेकिन विकल्प के अनुसार कार्य न हो तो अभी दूसरे का दोष देखता है, कर्तव्य तो नहीं छूटता। न जातु कर्त कर्मत्वम सविकल्प से न सती। जब तक ज्ञान का संचेतन नहीं होता, निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, तब तक कर्ता कर्म की भ्रांति का नाश नहीं होता। ये विभाव है, मिथ्यात् अज्ञान असंयम दुख, ये सब विभाव के परिणाम, प्रमाद ये दुख है। संसार रूप जितना भी परिणमन है वो विभाव परिणमन, जीव का मोक्ष रूप जो परिणमन है वह स्वाभाविक परिणमन है। केवल ज्ञान स्वभाव, चार ज्ञान विभाव। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हम ये कहें या सोचें, हम खूब चाहते हैं ये कथाएं ना हो, गुस्सा नहीं आए, लेकिन फिर भी आ जाती है कि ये तो चाहते गुस्सा नहीं आए, हमारे घर में अंधेरा ना हो, लेकिन प्रकाश का तो कोई इंतजाम करते नहीं, प्रकाश रहे तो अंधेरा चाहने पर भी नहीं होगा। कोई सोचे इनके घर में अंधेरा हो जाए तो मैं घुस जाऊं, लूट लू, चूर्ण भावे चांदनी भावे अंधेरी रात, भावे अंधेरी रात। अगर ये चाहे भी कि इनके घर में जरा सा अंधेरा हो जाए तो मैं कर्म इनकी इनको लूट लूं, लेकिन जिसकी प्रकाश की व्यवस्था एकदम चुस्त है, एकदम चुस्त का मतलब ये है आज की आधुनिक भाषा में कह दें, वो भी सब फेर रहे हैं, ध्यान रखना, दृष्टांत एक देश होता है, बिजली है फिर भी इमरजेंसी है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तो वहां जैसे ही बंद होगी ऐसे ही चालू हो जाए ऑटोमेटिक, जाकर के स्विच नहीं खोलना पड़ेगा, जब बंद होगी तब स्विच खोला तब चालू, अपने आप ऐसी सिस्टम है, वो बंद होगा तो ये चालू, एक मिनट के लिए बंद नहीं हो, उसके बाद भी उसने एक दिया जला रखा है। लेकिन ध्यान रखना, लौकिक दृष्टांत को आप सर्वथा मत मान लेना, पाप के उदय में 10 इंतजाम फेल हो जाते हैं, 10 इंतजाम फेल हो जाएंगे, उसी समय बिजली चली गई और उसी समय में वो खराब हो गया, उसी दिन और उसी दिन फेल निकल गया, या हवा का झोंका आया दीपक बुझ गया। आप 50 इंतजाम करो, पाप के उदय में 50 इंद्रियां फेल हो जाए, पुण्य के उदय में आमदनी चारों ओर से हो रही, और पाप का उदय आए पुण्यहीन हो तो चारों ओर की खत्म।
प्रॉपर्टी का पैसा ब्लॉक हो गया, सोने का पैसा पलान हो गया, वो चोरी में चला गया, उसने उस पर कब्जा कर दिया, व्यापार में आग, उसमें फैक्ट्री में आग लग गई, हर साल उसने वैसा कर दिया, बताओ सबरे एक संग होने के साथ सबरे एक संग। अपन सोचे अपनी चार जगह की व्यवस्था सब थोड़े फेल हो जाएंगे, तो पाप के उदय में सभी फेल हो जाए, अपने के उदय में सभी व्यवस्थाएं अपने आप इकट्ठी जाकर के जन कहां से आई, वो कब्जा कर रहा था उसको भी उसने भी छोड़ दिया, और उसका भी भाव बढ़ गया, उसका भी वो हो गया, उधर से भी वो आ गया, सब हो गया। ये इतनी स्वचलित व्यवस्था है विश्व की, इसमें ईश्वर का भी कर्तव्य तो नहीं है, तुम्हारा तो है क्या? जिनको तीन लोक के नाथ कहते हैं, अनंत बल के धनी कहते हैं, केवल ज्ञान में जिनसे कुछ भी नहीं छिपा था, हमें तो ध्यान नहीं था, हमसे हमें मालूम ही नहीं था, आप तो ये कह दोगे, लेकिन केवल ज्ञानी तो ये बात नहीं है ना, सारा परिणमन एक एक सूक्ष्म बिल्कुल उनके भी ऐसे दिखता है, और अनंत बल भी है, लेकिन उनकी भी नहीं चलती, ऐसी स्वचलित व्यवस्था है। जहां अपने से च्युत हुआ बस संसार खड़ा हो गया, दुख खड़ा हो गया, तो दुख का वैसे ही थोड़ी हो जाएगा, दुख के कारण खड़े होंगे, या क्रोध आएगा, या मन आएगा, या माया आएगी, या लोभ आएगा, हास्य आएगी, गति आएगी, अरति आएगी, शोक आएगा, भय आएगा, जुगुप्सा आएगा, या वेद का परिणाम आएगा, कुछ न कुछ तो आएगा, वैसे ही तो दुखी नहीं हो जाएगा, ये न्याय है, दुखी तो कथा ऐसे होता है, तो कुछ कथा आएगी, तुम्हें भले नहीं लगा, अरे रे प्रभु। टोटोमल जी ने कहा, देखो भाई दो उपाय की कल्पना करो, एक तो पदार्थ तुम जैसा चाहते वैसा परिणमन हो जाए तो सुखी हो जी, लेकिन ये बात सर्वथा असंभव है, पुण्य के उदय में भी किंचित थोड़ी बहुत बनती दिखाई देती है, बाद बाकी जैसा चाहता वैसा परिणमन नहीं होता। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय सदा सुख साता, क्यों? पुण्य उदय होने पर भी सारा परिणमन अपने इच्छा के अनुकूल नहीं होता, इसलिए एक ही उपाय बचता है, मानना हो मान लो, नहीं मानना हो मत मानो, एक ही उपाय बचता है सुखी होने का, पदार्थ को अपने अनुकूल परिणमाने का विकल्प छूट जाए, बात ये तो ऐसे ही चलेगा, पुद्गल है ये, पुद्गल अपना काम करेगा, ये मोही जी में मोही कौन से क्या अपेक्षा रखते हैं? ये मोह, ये बातें करेंगे मोह की करेंगे, ये मानी जी में बातें करेंगे मोह की, मान की करेंगे, ये क्रोधी है क्रोध में अंधा होता है, तो जो मैंने क्या क्या कहेगा, जो कुछ कह सकता कहेगा, मैंने कहा था कह, तो वो क्रोध का स्वरूप है ना, उसमें क्या करोगे तुम, ये ऐसा ही होगा, काम थोड़ा नाम न भयम न लज्जा, वो ऐसा ही होगा, काम के परिणाम जिसको होंगे तीव्र होंगे तो वो निर्लज होगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता, और एक भाव ये मिर्गी के वेग के समान है, ये जीव चाहे तब हो, में ऐसा नहीं है, अपने आप सहमे हो जाते, कोई प्लानिंग थोड़ी करता है, प्लानिंग थोड़ी करता है इन कामों की, जो प्लानिंग ही करते हैं उनकी बातें तो बहुत दूर हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं करता उस समय, उस प्रकार का उदय होने पर उस प्रकार के अपने आप के परिणाम हो जाते हैं, इसलिए संसारी जीवों के नाना प्रकार के परिणामों को देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो, यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। अभी हम बैठे विचार किए, हमने देखो
विवाह परिणाम माने न चाहने पर भी वो होंगे अगर सुभाव से चित होगा। सड़े फल को अलग क्यों कर देता है वो, सड़ा हिस्सा अलग क्यों कर देता है, उसके चक्कर में वो दूसरा होगा नहीं चाहने पर भी। धूप में अग्नि में के पास जाओगे तो जबरन वो तो उष्णता होगी, कुसंग में नाना प्रकार के कसाय के प्रसंग बनेंगे बनेंगे वो तो बनेंगे। मजाक है थोड़ी ही, तीर्थंकर भी जंगल में गए और मौन रहे, तो मैं भी यही करना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम सोचो सारी अनुकूलताएं बना बना करके हम एक सुखी हो रहे, नहीं हो सकती, असंभव बात है। भगवान से विपरीत उपाय सोचा है, तुम जो उपाय करते वो झूठे हैं। प्रभुता ज्ञान के अभिना भावी, सुख ज्ञान के अभिना भावी, बल ज्ञान के अभिना भावी, और ज्ञान शुद्ध ज्ञान किसको होता है, शुद्ध ज्ञान का ज्ञान का, अशुद्ध ज्ञान का मिथ्या ज्ञान का। तो शुद्ध ज्ञान किसको होता है, ज्ञान का संचेतन करने वाले जीव को। तुम कम पढ़े हो ज्यादा पढ़े हो बात है, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। और इस ज्ञान के संचेतन के बिना ज्ञान के छह उपशम का वर्णन मद उत्पन्न करेगा करेगा। पुण्य के उदय की अनुकूलताएं अभिमान उत्पन्न करे बिना नहीं रहेंगी। प्रमाद उत्पन्न किए बिना नहीं रहेंगी बाहर की सुविधाएं, संस्कार के बिना। ये नहीं तो आप सर्वेक्षण कर लो, अपना करो चाहे बाहर का करो। सर्वेक्षण में बाहर के लिए कहा जाता है, आत्मनिरीक्षण में अपने लिए किया है। सुविधाएं मिले और संस्कार ना हो, प्रमाद ना आए, एक भी जीव बता दो। सुविधाएं मिलने पर प्रमाद, असावधानी ना हो ऐसा नहीं होता, गाफिल ना हो ऐसा होता ही नहीं। आप सोचते हो चाहे कुछ भी सोचते हो, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं। अरे तुम अच्छा सोचते हो, अच्छा सोचने मात्र से काम नहीं चलता। अच्छा तुम अपनी कल्पना सोचो, सच्चा सोचो, स्वरूप है और स्वरूप का विचार करो। हम बहुत अच्छा सोचते हैं, अपनी कल्पना से क्या सोचते हो अच्छा बता, कि जी ऐसा हो जाए, जी ऐसा कर लें, जी ऐसा कर लें, जी ऐसा कर लें, यहाँ ऐसा हो जाए, यहाँ ऐसा हो जाए, वाह ये तुम्हारी कल्पना ही तो है। सच्चा सोचो, सच्चा सोचने का मतलब ये है इस परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है। कोई बीमार हो है भैया, इसके पाप का उदय क्या करें, अगर इसको भक्ति करना चाहिए, इसको चिंतन करना चाहिए, इसको सहन करना चाहिए, अरे हमें सेवा करना चाहिए, ये बात क्यों नहीं सोचते। अब हम तो उनके भले की सोचते हैं, तुम उनके भले की सोचते हो, अपने भले की सोचो पहले। हमें सेवा करना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरों को क्या करना चाहिए ये बात तुम्हें सोचने का अधिकार दे किसने दिया। ये मन कसा का चिन्ह है, सुन लो कान लगा के, हमें क्या करना चाहिए ये विवेक है, हमें क्या करना चाहिए। ध्यान रखना आचार्य तो प्रशासन प्रशासक, वो व्यवस्था अलग है, वो व्यवहार है। भाई तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें तकलीफ है ना तो वहां बैठ जाओ, तुमको धूप लगती है ऐसे वहां बैठ जाओ, तुमको ठंड लगती है तुम्हें बैठ जाओ,
तुम्हारे पैर में दर्द है, इस चूल्हे बैठ जा। वो प्रशासक का काम है, वो तो इसीलिए प्रशासक का मोक्ष नहीं होता ना आचार्य का। आचार्य साधु पद तो फिर आचार्य बनते क्यों? अरे भाई फिर वही बात, बनते क्यों? क्यों तुम्हारी क्यों कभी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? फिर क्या फायदा? इस भूमिका में इसी प्रकार के भाव होते हैं और इसी प्रकार का योग होता है, होंगे। शास्त्र लिखे नहीं है उन्होंने, भव्यों का भाग्य था, उस समय का प्रशस्त परिणाम था, अप्रमत्त योग था, ज्ञान था, लिख गए। बिल्कुल एकदम सच्ची बात है, 100% सच्ची बात है। क्या ज्ञान राग तो मेरो बनो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मच अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशन। कई बार जो शब्द बोलते भी नहीं सो सुन लेते हैं जी लोग, जब शांति से विचार करें तो एक सिद्धांत पुष्ट होता है कि इसे ज्ञान नहीं होता। वो शब्द कहा भी नहीं और जे कहां से सुन दिया, जो कहीं से सुनी नहीं, कई बार होता है। तो इस प्रसंग से, इस दृष्टांत से तुम्हें अपना सिद्धांत पुष्ट करना चाहिए कि ये से ज्ञान नहीं होता। बात सच्ची कही आ जाए, अब इसको आंख उठा करके देखोगे आपको जिन बच्चों की प्रतीति आएगी। सही कहा था देव भिन्न, देखो भिन्न हो रही है। सही कहा था पुण्य का, पुण्य क्षीण होने पर ये सब चला जाएगा, देखो चला गया। जिन वचनों को कैसे मिला है कि भाई स्वर्ग तत्व को तो स्वानुभव से मिला लेंगे, बाहर की बातों को बाहर से ही मिलाओगे। लिखा है संयोग अध्रुव है, अब तुम स्वानुभव से कहां मिलाओगे? पहले यही मिला लो, तुम बताओगे कि संयोग ध्रुव हो? किसी जीव का कोई संयोग आज तक ध्रुव रहा हो, ध्रुव हुआ हो तो बता दो। ऐसे संयोग का नाम बताओ जिसका वियोग नहीं हुआ। तीर्थंकर क्यों न हो, चक्रवर्ती हो, देव हो, एमेंद्र हो, एक भी बता दोगे तुम संयोग ध्रुव तो हम मान लेंगे। एक भी पर्याय को आप ध्रुव बता दो, संतति अपेक्षा स्वभाव पर्याय को ध्रुव कहेंगे, वैसी की वैसी रहेगी, रहे हैं अनंत अनंत काल, यथा यथा तथा लिखा है। यथा तथा का अर्थ क्या होता? जैसे ही तैसे, जो और सो तो नहीं लिखा। ऋषभ देव को जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई थी, वही केवल ज्ञान की पर्याय आय है क्या? वैसी ही वैसी केवल ज्ञान, माने पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो पर्याय तो नहीं है, पर्याय तो बदल गई। कर्म जनित विवाह पर्याय वैसी की वैसी भी नहीं हो रही, सोची दिखाई देता है बदलती हुई कि देखो बदल गई, लेकिन वैसी की वैसी है तो नहीं लगता बदल गया। इस शास्त्र को उठा करके दूसरा ऐसा ही शास्त्र विराजमान कर तो पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी के निशान लगे हो तो भैया हमारा शास्त्र कहां गया, वो उसमें निशान लगे थे। लेकिन नया एडिशन वैसा का वैसा ही रख दिया जाए जिसमें कुछ निशान निशान नहीं हो, या तुमने उसने देख करके सब उसी प्रकार के निशान भी लगा दिए, सब कर दिए, ट्रू कॉपी फोटो कॉपी कर दी तुमने, लेकिन वही तो नहीं है। फोटो कॉपी ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी है ना, ट्रू माने सत्य प्रतिलिपि है वो, लेकिन वही तो नहीं है ना। ट्रू कॉपी रख दो आप, जब इंटरव्यू देने जाओगे ओरिजिनल कहाँ है आपका? किताब ये है तो ना, अरे हम ये ट्रू कॉपी है ना, फोटो कॉपी है, ओरिजिनल कहाँ है? मतलब ये ऐसी होने पर भी हुआ नहीं है, बोला ना।
एक भी पर्याय को कोई ध्रुव बता दे, भगवान ने नहीं आनी केवल ज्ञान में एक भी पर्याय ध्रुव, एक भी संयोग को ध्रुव नहीं आना। भगवान की आज्ञा से बाहर पांव रखोगे तो डूबोगे। आप कोई भी व्यवस्था को ध्रुव बनाना चाहोगे, ध्रुव मत समझना। तुम ये सोचो ये व्यवस्थाएं ध्रुव है, ये हमारी परिणति ध्रुव है, ये हमारी सकल ध्रुव है, ये हमारे ज्ञान ध्रुव है, ये हमारा मोह की ममता से होने वाला प्रशस्त परिणाम ध्रुव है, ध्रुव नहीं है। समय रहते इनका उपयोग कर लेना चाहिए। सदुपयोग करोगे तो ये बढ़ती जाएगी, और दुरुपयोग करोगे तो मिटती जाएगी, हटती जाएगी। अगर वैद्य की आज्ञा के अनुसार रोगी अगर योग्य आचरण करता रहेगा, उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। विपरीत चलेगा, दिन पर दिन गिरता जाएगा। ये तो नहीं रहेगी, ये मनुष्य पर्याय छूटेगी छूटेगी। भवारम परिग्रह पूर्वक छूटोगे, छोड़ोगे आसक्ति पूर्वक, नरक की पर्याय में जाओगे। भगवान का नाम लेते लेते छोड़ोगे, स्वर्ग में जाओगे। पर ये पर्याय तो नहीं रहेगा, इसको कोई नहीं रख सकता, किसी की ताकत नहीं। इसलिए आगामी विचार कर लेना, ये तो नहीं रहेगा। आत्मा ही ध्रुव है, चला चले संसारे धर्म एव निश्चल। स्वभाव ही ध्रुव है, और स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली परिणति अर्थात स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला सुख ही संतति अपेक्षा ध्रुव रहेगा। स्वभाव के आश्रय पूर्वक होने वाला ज्ञान ही ध्रुव रहेगा। ये ज्ञान तुम आज याद कर लो, खूब अच्छी तरह याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो, तो भी भूल जाएगा। ये क्षोभ समय ज्ञान पर्याय के साथ बिनस जाएगा। जिससे इसका संबंध है वो टूट, रत्नों की जो प्रवाह है वही स्थाई है। ये बिजली की बल्ब की चमक, ये तो लाइट जाएगी चली जाएगी। तेल का दिया, तेल खत्म होगा तो बुझेगा। बैटरी के सेल खत्म होंगे तो बैटरी वो खत्म होगा, बल्ब खत्म होगा, वो तो होगा। आप इसमें कुछ नहीं कर पाओ। और एक बात और भली प्रकार समझ लेना चाहिए, इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं। ये बल्ब बुझ जाए बुझ जाए, कोई नुकसान भी नहीं। हमारे मुनीश्वरों ने तो पहले ही छोड़ दिया, ये रे छूट गया, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। हमारे ज्ञानियों ने देह से ममत तो पहले ही छोड़ दिया, जो छूट जाएगी समाधि मन की निशंकता कैसी है सम्य ज्ञानी की। जो समाधि मरण के प्रसंग में जो छूटेगा उसे तो मैंने पहले ही छूटा हुआ समझ लिया है, और जो मेरा है वह कुछ भी नहीं छूटेगा। न मेरी सत्ता का नाश है मरण के प्रसंग में, न मेरे स्वरूप का नाश है। मरण के प्रसंग में जो छूटेगा वह तो पहले ही छूटा हुआ है। जो उसे छूटा हुआ नहीं जानते वे ही दुखी होते हैं। जिन्होंने उसे छूटा हुआ जान लिया है, देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय तो कहीं फिर कैसा दुख। मैंने हमारी ये आदत, हम खूब चाहते हैं बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। अरे अच्छा होगा तब होगा जब दृष्टि अच्छी होगी। अच्छे काम के लिए पुरुषार्थ भी अच्छा चाहिए, विचार भी बहुत अच्छे चाहिए, समर्पण चाहिए। वैसे ही अच्छा नहीं हो जाएगा।
हम चाहते हैं सफाई रहे या पूरी, तो दिन में 3 दफे देखने पड़ेगा। तुम सोचो कहू की कई वे से बस नेका ऐसे कर ली तो वो नहीं रहेगी। ऐसे ही हमारा मन साफ रहे तो आत्मा परमात्मा का चिंतन करना होगा, स्वतंत्र परमन का चिंतन करना होगा, निमित्त निमित्त का भी स्वरूप समझना होगा भली प्रकार। जैसे यहाँ सफाई रहे तो यहाँ उपयोग लगाना होगा, और उपयोग ही नहीं जो लगाना है सो लगाना ही पड़ेगा। एक टूटी सी छूट सी झाड़ू ले ले और कैसे या साफ करो, ज्यादा का साफ होते हैं संगमरमर का मंदिर का फर्ज, और वो लिया खानों को खड़ा जैसे वो गोबर की जगह झाड़ लेते ना मट्टी की, वो लिया यहां खड़ा रहा। हमने लगा दी सबरे में झाड़ू लगा दी, बस झाड़ू लगाते ऐसे झाड़ू लगेगी, और फूल झाड़ू लेकर के वहां पहुंच जा धूला वाली फर्श पर लगाते रही शाम तक, झाड़ू टूटेगी। वहां उसी प्रकार का काम, पवित्र साधक की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र चाहिए, तो स्वरूप तो पवित्र है ही, दृष्टि पवित्र हो, भावना पवित्र हो, समझ में आया ना। स्वरूप के आश्रय से मोक्ष होता है, इसका चिंतन हम आश्रय शब्द कहते रहते हैं, दृष्टि कहते रहते ज्यादा ज्यादा, लेकिन बीच में जो भावना और एकाग्रता ध्यान है उसको महत्व तो नहीं दे पाते, ये अधूरा चिंतन है हमारा। क्या कहा, स्वरूप की दृष्टि पूर्वक स्वरूप की भावना भाते भाते स्वरूप में एकाग्रता हो लीनता हो तब मुक्त होता है। खाली दृष्टि से नहीं, दृष्टि से दृष्टि का काम होगा, सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन और मिथ्या से दर्शन के परिणाम से होने वाले जो कर्म बंध हैं दुख हैं उनका अभाव होगा। जैसे करना नहीं उसे कहें तो सम्यक दर्शन होने पर सर्व प्रकृतियों का संवर होता है। ये कहाँ लिखा है, 41 प्रकृतियों का संवर होता है। सर्व प्रकृतियों का संवर थोड़ी हो जाए, पंचम गुण स्थान में इतनी प्रकृतियों का संवर होता है तो उतनी का ही होगा। अब उतनी और करने के लिए हाँ गुणस्थान तो बढ़ेगा, गुणस्थान की क्रिया बढ़ेगी आपकी, आपको व्रतों को अंगीकार करना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी, और उसके अंतर के राग को तत्वाभ्यास से रोकना होगा। खाली बाहर के नियम से राग मिट जाए ऐसा नहीं संभव है, माने व्रत लेकर के भी आपको अभ्यास करना होगा, अंतरंग का अभ्यास करना होगा। तीन चौकड़ी टूटने के लिए मुनि दशा, क्रम ऐसा नहीं है, कोई तुम्हारी पुस्तक के दृष्टांत में बता, चलो हम उसको बहुत निकट का करे देते हैं। एमएलए का चुनाव लड़ करके भी कोई एमपी नहीं हो पाएगा, पार्लियामेंट में नहीं पहुंच जाए, विधानसभा में जाए, हम चुनाव जीत गए तो पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में कैसे जाओगे, नगर पंचायत का चुनाव जीता तो नगर पंचायत बैठोगे वहां, एमएलए के चुनाव में जीते तो विधानसभा में बैठो, पार्लियामेंट का चुनाव जीतोगे तब पार्लियामेंट में पहुंचोगे, संसद में कैसे पहुंचोगे आप,
दृष्टि निर्मल होने पर, दृष्टि निर्मल होने पर जितना होता है उतना ही होगा। वो महत्वपूर्ण है, ये बात अलग है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। जिसका अपने मोहल्ले में ही बहुमत नहीं है वो एमपी का चुनाव क्या जीतेगा? अपने गांव में ही इसका बहुमत नहीं है, वो सोचे एमपी में जीत जाए तो एमपी बन जाए, असंभव। दृष्टि ही जिसकी निर्मल नहीं है और वह केवल बाह्य क्रियाओं के बल पर या बाह्य ज्ञान के बल पर सोचे हम ऊपर कसायों को जीत ले, क्या कहा? क्या कहा? दृष्टि जिसकी निर्मल नहीं है, सम्यक नहीं है, वह कुछ बाह्य क्रियाओं के बल पर, कुछ कुसंग छोड़कर सत्संग के बल पर है, कुछ है उस समय ज्ञान के अभ्यास के बल पर कसायों को जीत लें, असंभव, असंभव। लेकिन दृष्टि निर्मल होने पर भी बारंबार भावना, आचरण का है, आचार विचार मूलक होता है, विचार को हम भावना कहते हैं। पंडित जी ने क्या लिखा बनारसी दास जी ने, बस इतना ही कहेंगे, बाई को विचार कर बाई में मगन हुए, निर्णय हो गया तुम्हारा सो ठीक है, अब क्या करें? प्रथम सुदर्शन शरीर रूप की ये भिन्नता में और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए, अष्टकर्म भाव की उपाधि सो की ये भिन्नता में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए, हमें प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप। कैसी प्यारी शब्द है, हमें प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान सो प्रमाण हो रानिए। बस हो गया मोक्ष, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, शिलान्यास है, ये पहली सीढ़ी है। बाही को विचार कर बाही में मगन हुजे, बाको पद साधवे को ऐसी विधि छानिए। हम ये कहते हैं ये शब्द क्यों नहीं आते, ये शब्द आना चाहिए। भावेद भेद विज्ञानम मिद मच्छिन्न धारया, सम्यक दर्शन के लिए बस आश्रय दृष्टि आश्रय दृष्टि आश्रय दृष्टि करोगे नहीं काम चलेगा। तत्व विचार विचार बारंबार विचार, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार, और जब सही प्रकार से विचार करे, पक्षपात छोड़ करके विचार करे, तो टूटर मर्जी का वाक्य बोल देना, जैसा जिन वचन में कहा है वैसा अपने को भाषित होता है। पक्षपात छोड़ करके विचार करे, तो भाई हम निर्णय करने बैठे हैं और विपरीत निर्णय हो जाए, तो क्या पक्षपात छोड़ करके निर्णय करने पर सही निर्णय होता ही है। सही निर्णय का मतलब जैसा जिन वचन कहा वैसा भाषित होता ही है। अभी की आज की चर्चा में से कहो, बोलो, अपनी चाह निरर्थक भाषित होती ही है, सारी संयोग और पर्याय अध्रुव भाषित होते ही हैं, संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण भाषित होती ही हैं, होती ही हैं। हमें भी समझ में आती, बिल्कुल बात सही है, बच्चों को हमारी गलती है, हैं वो सेठ ने यही तो कहा था, हमने इस विधवा बहु को सुविधाएं तो खूब दी, चाबी सौंप दी, बनाओ खाओ जो कुछ भी खाना जो बनाना सो खाओ, रसोई सौंप दी, पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें कचौड़ी खाना कचौड़ी खाओ, पकौड़ी खाना पकौड़ी खाओ, इमरती खाना इमरती खाओ, हलवा खाना हलवा खाओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने बताई नहीं, जो पहनना सो पहनो, जहाँ घूमना है वहां घूमो, जो पढ़ना है सो पढ़ो, जो देखना है सो देखो। हा हा, आज ये कह रही है तो इसमें इसका दोष नहीं है क्या? पिताजी ये बुरा नौकर अपना ढंग से काम करने लायक नहीं रहा, अब कोई दूसरा नौकर देखो। बोल कहां से रही,
अरे जी हलवा कचौड़ी बोल रही, ये फैशन बोल रही है, ये उल्टा सीधा पढ़ना लिखना बोल रहा है। अब हमारी समझ में आ गई, कुछ नहीं कहा, युक्ति से काम लिया। बेटी है ठीक है, देखते हैं, अब एकदम तो नहीं मिलते, इतने दिन का विश्वास ही नौकर है, घर में चाहे किसी को तो नहीं घुसाएंगे कि हाँ पिताजी सो तो ठीक है, पहले उसकी कह दी ना हाँ देख रहे, तो उसको हाँ लगने लगी ठीक है, तो बेटा एकदम तो नहीं मिलेगा, तब तक काम निकालना अपन को और देखते हैं। हाँ तो ठीक है बताए, लेकिन उन्हें नौकर थोड़ी देखना था, उन्हें तो ये वासना देखनी थी कहां से आई है, ये आई कहां से ये वासना, वैसे बहु विनयवान है, आज्ञा अनुसारी विनयवान है। पिताजी क्या बना, बेटा आज तो भगवान का कल्याण है, तो आज हमारा तो उपवास है, हमें तो कुछ खाना पीना नहीं। पिताजी अब आपका उपवास है तो हम भी उपवास करते। हाँ बेटा बिल्कुल करना चाहिए, अबे नहीं उपवास करो तब करो तो कब करो, काय पाय के तब नहीं कीना, प्रशंसा कर ली काय पाय के तब नहीं कीना, अगम पढ़ नहीं मिसी कसा, धन को पाय दान नहीं दीना, कौन काज कीनो यार, बिल्कुल सही है शाबाश, तो करो और एक काम करो जल्दी नहा धो करके पूजा पहुंचो, पूजा में स्वाध्याय में पहुंचो, फिर अपन दोपहर में आकर के चर्चा करेंगे, बैठेंगे हमको सुनाना है, और बात का कुछ लाभ भी तो मिले। हाँ पिताजी नीति में तुमने पढ़ा था, कौन ने पढ़ा था, अगर पूर्व पर दूसरे को अनुकूल बनाना है तो पहले उसके अनुकूल होना पड़ेगा। बच्चों के साथ बच्चा बन करके खेलना पड़ेगा, तब आप बच्चों के ऊपर अनुशासन कर पाएंगे, आपको बच्चा बन जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। संयमी की सेवा, अगर आपको दान देना है आहार कराना है तो थोड़ी देर के लिए आपको संयमी बनना पड़ेगा, वैसे ही नहीं खड़े हो जाओगे आगे चलो महाराज आओ स्वामी अत्र अत्र अवतर, को खड़ो ये कपड़ा कहाँ के तुम्हारे, अत्र अवतर अवतर कर रहे आहार जल शुद्ध है, दिखाई तो रो नहीं कहीं, डाइनिंग टेबल लगी तरी, ये कहा है संयमी को आहार देना है तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन संयमी तो बनना पड़ेगा। क्यों भाई बोलो हमारे साधु महाराज कैसे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए साधु बना था पता पड़ी उसको, वो विप्र निंदा कर रहा था है? और ऐसे होते इनको क्या है, नाना नौना ढंग से साफ सुथरे भी नहीं रह पाते, और बस मुफ्त का मिलेगा ठीक कोई बात नहीं, कह ले कह ले। सेठ जी बोले महाराज आप तो विद्वान आदमी हैं है? और आठ दिन का हमारा अष्टांग का पर्व है, जंगल में कोई मुन्नाज मिल नहीं रहे, आप आठ दिन के लिए मुनि हो जा तो हमारा पृथ्वी पल जाएगा, फिर दक्षिणा आपको देंगे आराम से आप, तो बोलो भी तो था ही ठीक है। जब उसने कपड़े उतार करके केसरो शुरू किया, सो ही पता पड़ गया जैन मुनि कैसे होते, और केसरो करने के बाद उस दिन का उपवास, पता पड़ेगा कि जैन मुनि कैसे होते हैं। उपवास करने के लिए आहार करने पहुंचा, सो कल का उपवास था, खेत के खा पी लिया आज तो, और फिर प्यास बड़ी, सो मालूम पड़ गया जैन मुनि कैसे होते हैं। हमने तुमसे यही तो 10 बार कहा, तुम हमसे पूछते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम यहाँ बैठ जाओ, जैसा तुम हमारे संग कर रहे तैसा तुम्हारे संग हो तब तुम्हें पता पड़े कि तकलीफ क्या है, हमसे क्या पूछते हो, अपने से पूछो। एक बात कहा था ना, समाधान अंतर में ढूंढो, अंतर में समाधान मिलेगा, यहाँ बैठ जाओ। कोई मेहमान आया और साहब क्या चाहिए, तुम मेहमान बन जाओ थोड़ी देर के लिए, पता पड़ जाओ क्या चाहिए, अरे क्या नहीं चाहिए,
ये थैला कहाँ रख दें? रखने के लिए चाहिए अलमारी कमरा कछु चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर नहाने धोने पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? पहने सुखाने के लिए जगह चाहिए? कहाँ से कपड़ा कहाँ डाल दें? और पूजा बजाने धो दुपट्टा कहाँ है? चाहिए कि नहीं? तो फिर आप उससे क्यों पूछते हो? और आपको क्या चाहिए? सब चाहिए तो इकट्ठे हम सब धरें दे। इकट्ठे कैसे हम दे? तुम बैठ जाओ इकट्ठे, एक महीने की रोटी धरें दे, तुम खाओ। पागलपन की बातें मत करो। पागलपन मोक्ष मार्ग को समझने की चेष्टा करो। लिखा है सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है। सम्यक दर्शन के बाद चारित्र दुर्लभ नहीं है, ये समझ लेना। अनंत पुरुषार्थ है चारित्र में। क्या कहा? सम्यक दर्शन की अपेक्षा चारित्र में अनंत पुरुषार्थ है। अनंत गुना पुरुषार्थ अधिक बढ़ता बढ़ता है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन के बाद चारित्र दुर्लभ नहीं है। क्यों? क्या सम्यक दर्शन में अपने स्वरूप की रुचि आई और स्वरूप की साधना चारित्र है, इसलिए दुर्लभ नहीं। अपने मन का रुचि का काम कभी कठिन नहीं होता। रुचि का काम कभी कठिन नहीं होता, लगता ही नहीं है कठिन काम। कठिन काम तब लगता है जब बिना रुचि का काम है, थोपा हुआ था काम लगता है। इनका काम है हमारा काम थोड़ेगा, तब लगेगा वो कठिन काम लगेगा। अरे सुख चाहिए और सुख ही सुख मिलता जाता है। चारित्र अनंत आनंद अनंत पुरुषार्थ है, तो अनंत आनंद भी तो है उसमें। पुरुषार्थ बढ़ता है तो आनंद भी तो बढ़ता है। व्यापार में आपको सफलता मिलती है और आपकी खूब मेहनत हो, आपको कभी कष्ट हो तो बता। दिन रात लगे रहते हो और कष्ट है और बहुत तकलीफ है, बहुत दुकान चलती है तब चल नहीं। मैंने आपको कहाँ कष्ट लगता है? कष्ट तो तब लगता है जब दुकान न चले। ऐसे ही कष्ट तो तब लगता है जब उपयोग न ठहरे। जितना उपयोग अपने स्वरूप में साधना में लगता है उतना तो आनंद होता है, जितना नहीं लगता उतना कष्ट होता है। उसको भी लगाने के लिए पुरुषार्थ होता है, ये है पुरुषार्थ। विचारना विचारना भाई, न चाहने पर भी पर के लक्ष्य से विभाव होते हैं, और चाहने न चाहने पर भी स्वरूप के आश्रय से, आश्रय माने दृष्टि भावना और ध्यान एकाग्रता से सुख होता है। नहीं चाहो तो भी सुख होगा, कोई दुखी नहीं कर पाएगा। घोर उपसर्ग तो मैं दुखी नहीं कर पाए है? कोई देवांगना भी तुम्हें विकार उत्पन्न नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हारी स्वरूप दृष्टि है, अगर तुम्हारा माता बहन पुत्री जैसा भावशील की जनता है, तो नहीं कर पाएगी कोई देवांगना भी तुम्हें विकार। और नहीं तो कहानी स्त्री को याद करके लौट हो गए समूसान से उस डाल की तरह। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।